हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, क्या आपको भी लंबे बाल पसंद है और आप भी अपने बालों की लंबाई को ऐसे ही बढ़ाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज की ये रेमेडी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है, बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना है एंड जैसा मैं आपको बता रही हूँ सेम वैसे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। ये बहुत ही सिंपल सा रेमेडी आपको बना करके मैं बताऊंगी, बट ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा बालों की लंबाई को बढ़ाने के लिए और हेयर फॉल को कम करने के लिए। जिनके भी बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रखे हैं, बालों में स्कैल्प पर बहुत ज़्यादा गंजापन आ रखा है, तो उन लोगों के लिए ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा कारगर होने वाली है। ये रेमेडी बहुत ही स्ट्रांग होगी, तो आप प्लीज इसे एक बार यूज करके जरूर देखिएगा। इससे आपके हेयर फॉल 100% कम हो जाएंगे और बालों की लंबाई तेजी से बढ़ने लगेगी। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे अनियन। रेड अनियन जो होते हैं वो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर होते हैं। स्पेशली अगर हमारे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, बालों में बिल्कुल भी चमक नहीं है, बाल बहुत ही ज्यादा रफ हो रखे हैं, डैमेज हो रखे हैं, तो उन कंडीशन में हम अनियन का अगर यूज करते हैं तो ये हमारे बालों के लिए रामबाण साबित होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हमारे बालों की लंबाई को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है और स्कैल्प पर नए नए छोटे छोटे बालों को उगाने में भी मदद करता है। एंड फ्रेंड्स, ऑनियन जितना ज्यादा रेड होते हैं उतने ही ज्यादा ये इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि रेड ऑनियन में सल्फर का मात्रा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ट्राई कोशिश करना है कि आपको रेड ऑनियन ही लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर रेड ऑनियन अवेलेबल नहीं हो पाता है तो जो भी ऑनियन आपके पास है उस ऑनियन को भी आप यूज कर सकते हैं। अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ऑनियन ले लीजिए एंड उसका छिलका हटाने के बाद आपको इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैं तीन ऑनियन का यूज कर रही हूँ। ये तीन प्याज मेरे बालों के लिए सफिशियंट है। मेरे बालों की लंबाई कमर तक है तो इतने लंबाई के लिए तीन प्याज काफी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग आप अपने बालों के लंबाई के अनुसार प्याज का मात्रा आप घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद आप मिक्सी के जार में डालिए एंड इस पर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। बिना पानी डाले भी ये बिल्कुल अच्छे से पीस कर तैयार हो जाता है, बहुत ही बारीकी से पीस जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड उसके बाद आप ये देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपका ऑनियन का जूस निकल करके आएगा एंड ये बिल्कुल रेड कलर में होगा। यही ऑनियन जूस आपको अपने बालों पर लगाना है, बट याद रखिएगा आपको कभी भी इसे कंसंट्रेट फॉर्म में अपने बालों पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पर हम और एक दो इंग्रेडिएंट का यूज करेंगे। तो अगला इंग्रेडिएंट हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर शैम्पू। जो भी शैम्पू आप यूज करते हैं वो शैम्पू जितना मात्रा में आप लगाते हैं उतना ही मात्रा में आपको यहाँ पर डाल देना है। मैं यहाँ पर क्लिनिक प्लस शैम्पू का एक सैसे यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्लिनिक प्लस यूज करते हैं एंड ये सबके में अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए मैं यही ऐड करके आपको बता रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब पूरा एक से यहाँ पर ऐड करने के बाद इसे अच्छे से घोल लेना है। घोलने के बाद आप ये देखेंगे कि बिल्कुल रेड कलर में ये शैम्पू बनकर तैयार हो जाएगा। इसका कलर थोड़ा सा फेड हो जाएगा, रेड से थोड़ा फेड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एंड ये जो शैम्पू आपका बनकर रेडी हुआ है कमाल का आपको रिजल्ट देने वाला है। बालों की लंबाई को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा, हेयर फॉल को कम करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा एंड तुरंत से ये हमारे हेयर फॉल को रोकने के लिए कारगर होता है। फ्रेंड्स, क्योंकि ऑनियन जूस जो होता है ये हमारे बालों को थोड़ा सा ड्राई भी बना देता है, तो इसलिए हम यहाँ पर और एक इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारे बालों में लंबे समय तक हाइड्रेशन बनाए रखने में मदद करता है, बालों को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है, बालों में अच्छा सा चमक लाने का भी काम करता है और बालों को बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, सिल्की एंड स्मूथ बनाने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इन तीनों चीजों को अच्छे से घोलिए एंड ये आपका शैम्पू बनकर तैयार हो गया है। चाहे जितने भी ज्यादा बाल झड़ रहे हैं आप इस शैम्पू को यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। यकीनन आपको फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद ही बालों का झड़ना एकदम कम हो जाएगा एंड आप इसका रिजल्ट देख के शॉक्ड रह जाएंगे। फ्रेंड्स, ऑनियन जूस मैक्सिमम लोग नहीं अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डाउट होता है कि ये हमारे बालों के लिए नुकसानदेह होगा, लेकिन ऑनियन जूस हमारे बालों के लिए नुकसानदेह एकदम भी नहीं होता है। इनफैक्ट ये हमारे बालों की लंबाई को बढ़ाने के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए एंड हेयर रीग्रोथ के लिए, हेयर फॉल कंट्रोल के लिए बहुत ज्यादा मददगार होता है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेमेडी को एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा एंड अपना रिजल्ट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे यकीन है कि आपको 100% रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। आपका जितना भी ज्यादा हेयर फॉल चल रहा है वो हेयर फॉल बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस रेमेडी को एक बार जरूर बनाइए एंड यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे हम सिंपली कोई भी शैम्पू यूज करते हैं ना, वैसे ही शैम्पू हमें अप्लाई करना है, फिर धो लेना है अपने बालों को और इसके बाद विदाउट कंडीशनर हमारे बाल ऐसे ही चमकदार बने रहेंगे, बालों की लंबाई बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, आई थिंक मैंने सारा चीज क्लियरली बता दिया।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।